अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो प्रोडक्ट आपके लिए हम लेकर आए हैं वो डीलिंक कंपनी का राउटर है, जिसका मॉडल है DIR X5460। दोस्तों, ये ड्यूल बैंड सिग्नल फ्राम करता है। दोस्तों, ये राउटर वाईफाई 6 में है। वायरलेस स्पीड इसकी 2.4 GHz पर 600 MB पर सेकंड है, जबकि 5 GHz पर ये 4800 MB पर सेकंड स्पीड फ्राम करता है। दोस्तों, इस राउटर में 512 MB की रैम है, जबकि इसकी फ्लैश मेमोरी 128 MB है। दोस्तों, इस राउटर में टोटल 6 एंटीने दिए गए हैं, जो कि वाईफाई के सिग्नल को बूस्ट करते हैं। आप इस राउटर को एज अ मैश भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको नोड भी बना सकते हैं और इसको एज अ मैश राउटर भी बना सकते हैं। इस राउटर में MGU MIMO टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। दोस्तों, इस राउटर में वॉइस कंट्रोल सपोर्ट की ऑप्शन भी दी गई है। इस राउटर में एक वैन पोर्ट है, जबकि इसकी 4 लैन पोर्ट्स हैं। इस राउटर में 2 USB स्लॉट दी गई हैं, जो कि 2.0 और 3.0 की हैं। आप इस राउटर में स्टेटिक्स IP भी यूज़ कर सकते हैं, डायनामिक IP भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप PPO भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि VPN की ऑप्शन दी गई है। इस राउटर में WPS की ऑप्शन भी दी गई है। इसके अलावा आप इसमें गेस्ट जोन भी बना सकते हैं। दोस्तों, इस राउटर की बाकी कॉन्फ़िगरेशन आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखाते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। दोस्तों, हम आ गए हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। यहाँ पे एक ब्राउज़र ओपन करेंगे। ब्राउज़र में हम इस राउटर का डिफ़ॉल्ट IP लगाएंगे, जो कि 192.168.0.1 है। एंटर कर देंगे। राउटर का मेन पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर हम एडमिन वाला पासवर्ड लगा देंगे। एडमिन वाला पासवर्ड आप राउटर की सेटिंग में भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर राउटर हमारा कनेक्टेड है, डायनामिक IP भी हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे केबल स्टेटस कनेक्टेड है, कनेक्शन टैब यहाँ पे डायनामिक IP शो हो रहा है, नेटवर्क स्टेटस भी कनेक्टेड है। हमारे पास ब्राउजिंग इस वक्त हो रही है, हमने इसको डायनामिक IP पे ऑन किया हुआ है। यहाँ पे इसकी सिंपल सी सेटिंग्स है, आप इसको विजिट के थ्रू भी सेटिंग कर सकते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन मुकम्मल कर सकते हैं। इसके बाद इंटरनेट की सेटिंग है। इंटरनेट की सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कनेक्शन टाइप मिल जाएंगे। यहाँ पर मुख्तलिफ कनेक्शन टाइप मिल जाते हैं आपको, जैसा कि हमने डायनामिक IP पे सेट किया हुआ है। स्टेटस IP भी आप इसमें डायल कर सकते हैं। इसके अलावा आप PPO की ऑप्शन में डायल कर सकेंगे। यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड लिख देंगे, इसको आप सेव कर देंगे। इसकी मजीद सेटिंग आपको एडवांस सेटिंग्स में मिल जाएगी, यहाँ पर आप इनको चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास वायरलेस सेटिंग है। वायरलेस सेटिंग पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको गेस्ट जोन की ऑप्शन मिल जाएगी। आप यहाँ पे गेस्ट नेटवर्क बना सकते हैं 2.4 GHz और 5 GHz के। आप इनको यहाँ पर इनेबल कर लेंगे दोनों को, और यहाँ पर वाईफाई का नाम लिख देंगे, पासवर्ड लिख देंगे। अगर आप शेड्यूल लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको शेड्यूल लगाने की ऑप्शन भी मिल जाएगी, कि आप कितने दिन और कितने घंटे गेस्ट वाईफाई को ऑन रखना चाह रहे हैं। वापस वाईफाई की सेटिंग में आ जाते हैं। यहाँ पे आपको वाईफाई मैश की ऑप्शन भी मिल जाती है, इसको आप यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा स्मार्ट कनेक्ट की ऑप्शन मिल जाएगी 2.4 और 5 GHz के। अगर आप दोनों के सेम नाम और सेम पासवर्ड रखना चाह रहे हैं तो आप इसको इनेबल कर देंगे। तो यहाँ पर आप एक ही नाम और एक ही पासवर्ड के साथ दोनों फ्रिक्वेंसियों पर नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं। अगर आप दोनों के अलग अलग से वाईफाई या नेम और पासवर्ड रखना चाह रहे हैं तो इसको आप डिसेबल कर देंगे, तो आपके पास दोनों फ्रिक्वेंसियों के अलग अलग से सेटिंग आ जाएगी। इनमें 2.4 GHz की सेटिंग आप कर सकते हैं, यहाँ पे वाईफाई का नाम और पासवर्ड लिख देंगे। 5 GHz में भी ऐसे आप नाम और पासवर्ड लिख देंगे। 2.4 GHz की आप अलग से सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी एडवांस सेटिंग भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी मोड है, इसके अलावा वाईफाई चैनल्स हैं, ट्रांसमिट पावर हाई लो करने की ऑप्शन है, चैनल विड्थ है। इसी तरह 5 GHz में भी आपको एडवांस सेटिंग मिल जाएगी। यहाँ पर एक बात बहुत अहम है जो मैं आपको बता देता हूँ, कि अगर आपके एंड्रॉइड मोबाइल पे 5 GHz के सिग्नल शो नहीं हो रहे तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी सेटिंग करना होगी। यहाँ पर वाईफाई चैनल ऑटो पे सिलेक्ट है, आप इनको क्लिक करेंगे तो आपके पास 165 चैनल शो हो जाएंगे। अगर तो ऑटो पे आपके एंड्रॉइड मोबाइल पे 5 GHz के सिग्नल शो हो रहे हैं तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप 149 को सिलेक्ट कर लेंगे और इसको आप यहाँ पर सेव कर देंगे सेटिंग को, तो आपके एंड्रॉइड मोबाइल पे भी 5 GHz के सिग्नल शो हो जाएंगे और आप वाईफाई को यूज कर सकेंगे। यहाँ पे सेफ की ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं, सेटिंग सेफ हो रही है। वीडियो को यहाँ से थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, न्यू सेटिंग सेफ हो चुकी है, इसको ओके कर देंगे। सेटिंग में आपको नेटवर्क की ऑप्शन मिल जाएगी, यहाँ पर आप लैन IP एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा एडवांस सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको मजीद सेटिंग मिल जाएगी, जैसा कि यहाँ पर एडवांस सेटिंग्स में आपको वैन पोर्ट की स्पीड मिल जाती है, DHCP सर्वर की ऑप्शन मिल जाती है, डीलिंग क्लाउड की ऑप्शन दी गई है, ये भी आप यूज कर सकते हैं, ऑपरेटिंग मोड की ऑप्शन दी गई है। ऑपरेटिंग मोड में आप इस राउटर को एज अ राउटर भी यूज कर सकते हैं और इसको आप स्टैंडर्ड मोड पे भी यूज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड मोड पे आप जब क्लिक करेंगे, इसकी सेटिंग को सेव करेंगे तो आप इसको एज अ रिपीटर यूज कर सकेंगे। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं इसको एज अ एक्सटेंडर कैसे यूज करना है। फीचर की ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे आपको कंट्रोल की ऑप्शन मिल जाएगी। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऐड प्रोफाइल पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे प्रोफाइल का नेम लिख देंगे, यहाँ पर आप शेड्यूल लगा सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर वेबसाइट को भी बुला कर सकते हैं। ऐड रूल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नेम लिख देंगे, वेबसाइट का URL डायल कर देंगे, अप्लाई करेंगे तो आप जो भी वेबसाइट ब्लॉक करना चाह रहे हैं तो वो आप आसानी से यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हैं। QoS इंजन की ऑप्शन दी गई है, यहाँ पर आप अपनी स्पीड को लिमिट
लगा सकते हैं। चेक स्पीड पे आप क्लिक करेंगे तो आपको स्पीड टेस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे आप इस राउटर के अंदर रहते हुए स्पीड को चेक कर सकते हैं, अदरवाइज हम एक नई वेबसाइट ओपन करते हैं स्पीड टेस्ट के नाम से, या किसी भी स्पीड टेस्ट वेबसाइट को हम चेक करते हैं तो वहाँ पे हमें स्पीड लिमिट मिल जाती है। तो वहाँ पे हमें स्पीड का पता चल जाता है कि हमारे कनेक्शन की कितनी स्पीड है और कितनी थ्रो हो रही है। लेकिन यहाँ पे आपको राउटर के अंदर ही स्पीड टेस्ट करने की ऑप्शन मिल जाती है। इसके अलावा कनेक्टेड क्लाइंट्स है, यहाँ पे डेस्कटॉप अभी हमारा इसके साथ कनेक्ट है, ये आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको आप हाईएस्ट हाई या मीडियम कहीं भी आप फिट कर सकते हैं स्पीड के लिहाज से। डाउनलोड स्पीड आप यहां पर लगा सकते हैं, अपलोडिंग स्पीड आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। फायरवॉल की ऑप्शन दी गई है, आप फायरवॉल पे क्लिक करेंगे, ये आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन यहां से कर लेंगे। पोर्ट फॉरवर्डिंग की ऑप्शन है, ये भी आप यहां पर आप इजीली कर सकते हैं। वर्चुअल सर्वर की ऑप्शन भी यहां पर आपको मिल जाएगी। स्टैटिक रूट्स की ऑप्शन मिल जाती है, डायनामिक डीएनएस की ऑप्शन है, इसके अलावा क्विक वीपीएन की ऑप्शन भी है। आप इसको जस्ट यहां पर इनेबल करेंगे, यूजर नेम और पासवर्ड लगाएंगे अपने वीपीएन का और आप इसको सेव कर देंगे तो आपका वीपीएन कनेक्ट हो जाएगा। मैनेजमेंट में आपको टाइम एंड शेड्यूल की ऑप्शन मिल जाती है, यहाँ पर आप अपने जोन के हिसाब से टाइम को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप शेड्यूल भी लगा सकते हैं। सिस्टम लॉक की ऑप्शन दी गई है, इसके अलावा सिस्टम एडमिन की ऑप्शन दी गई है, यहाँ पर आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं एडमिन वाला। इसके अलावा राउटर पर दी गई जो लाइट्स होती हैं एलईडी लाइट को यहाँ पर आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। एडवांस सेटिंग में भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे रिमोटली एडमिन पोर्ट भी दी गई है, ये भी आप इनेबल यहाँ पर कर सकेंगे। अगर आप इस राउटर की किसी को एक्सेस देना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप यूजर नेम लिख देंगे, पासवर्ड लिख देंगे, परमिशन देंगे कि वो सिर्फ आपकी सेटिंग को रीड कर सकता है या फिर आप उसको परमिशन देंगे कि वो रीड और राइट दोनों काम कर सकता है। आप ग्रिड की ऑप्शन दी गई है, यहाँ पर चेक फॉर न्यू फ्रेमवेयर पे क्लिक करेंगे, जो भी नई फ्रेमवेयर अपडेट हुई यहाँ पर आ जाएगी। इसको आप ऑनलाइन ही अपग्रेड भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर ये मॉडल सर्च करेंगे और इस मॉडल का जो नया फ्रेमवेयर होगा आप डाउनलोड करने के बाद भी अपग्रेड कर सकेंगे। यहाँ पर हमारा जो फ्रेमवेयर अप टू डेट है। यहाँ पे इस राउटर के स्टैटिक्स हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। वापस हम होम पे आ जाते हैं तो दोस्तों ये इस राउटर की कॉन्फ़िगरेशन थी। इस राउटर को कॉन्फ़िगर करना इतना ही आसान है। अगर आप ये राउटर परचेज करना चाह रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट का विजिट करें, हमारी वेबसाइट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मोबाइल नंबर भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा कोई भी आपको इशू हो इस राउटर के बारे में या इसके अलावा किसी भी राउटर के बारे में, वाईफाई की सेटिंग के हवाले से या किसी भी राउटर की कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट पे एक वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे ताकि आपके मसले का हल निकल सके। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।